मैं डॉक्टर रेजा हकपरस्त हूँ। इस ध्यान में मैं तुम्हें सम्मोहित करने जा रहा हूँ, एक अलग सम्मोहन, एक उपचारात्मक सम्मोहन। किसी शांत स्थान पर यथासंभव आराम से बैठें या लेटें, ध्यान लगाओ और धीरे धीरे गहरी सांसें लो और मेरी बात सुनो। यदि आप अपनी बीमारी को ठीक करने के सामान्य नए और पारंपरिक तरीकों से निराश और अस्वीकृत हैं, तो अपने प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपचार के लिए इस YouTube चैनल पर ध्यान और सम्मोहन और अन्य सम्मोहन का प्रयास करें। इस सम्मोहन में प्रदान की गई जागरूकता से मेरी सभी मानसिक और शारीरिक बीमारियां ठीक हो गई हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। यदि आप अभी भी चिकित्सा देखभाल में हैं, तो भी यह ध्यान आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि यह आपकी आत्मा को मजबूत करता है और आपके भीतर शक्तिशाली दिव्य उपचार शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है और इस प्रकार आपको सामान्य इलाज विधियों की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करता है। इस ध्यान को कुछ दिनों तक सुने ताकि इसकी जानकारी आपके अचेतन मन में प्रवेश कर जाए और स्थिर हो जाए। सम्मोहन चिकित्सा का अर्थ है आपके अचेतन मन में गलत और रोगजनक जानकारी को सही और उपचारात्मक जानकारी से बदलना। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपका अचेतन मन वह कंप्यूटर है जो आपके भीतर दिव्य उपचार प्रणाली को नियंत्रित करता है। अचेतन मन में पोषण और जीवन के अर्थ के बारे में गलत जानकारी दर्ज करने से यह कंप्यूटर संक्रमित और हैक हो जाता है, तो यह आपकी मदद करने के बजाय आपकी बीमारियों में मदद करता है। इस ध्यान और अन्य ध्यान और YouTube पर पनाह अकादमी चैनल के वैज्ञानिक शैक्षणिक वीडियो में मैं आपके अचेतन मन के कंप्यूटर को वायरस और झूठी और गलत जानकारी से साफ करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ और इसमें सही जानकारी दर्ज करना चाहता हूँ जो ठीक करने के लिए आवश्यक है। आपकी बीमारियाँ स्वाभाविक और आध्यात्मिक रूप से आपको उस झूठी जानकारी को दूर करने और अपने अचेतन मन में सही जानकारी को बेहतर ढंग से पहुँचाने के लिए शांत और तनाव मुक्त रहना चाहिए। इस ध्यान में सबसे पहले मैं आपको तनाव मुक्त होने और शांति तक पहुंचने में मदद करूंगा। ईश्वर के बारे में सोचने से अधिक आरामदायक कुछ भी नहीं है। ईश्वर पर भरोसा आपको तनाव से दूर रखता है। आपकी शांति आपके हृदय में ईश्वर की उपस्थिति का पहला संकेत है। ईश्वर जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और गले की नस से भी आपके करीब है, हर पल आपका साथ दे रहा है। ईश्वर आपका सच्चा प्रेमी है और वह एक पल के लिए भी आपका साथ देना बंद नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुम्हें अपने समान अमर बनाया है। अपनी अमरता का एहसास आपको शाश्वत शांति प्रदान करता है। जिस भगवान ने अरबों आकाशगंगाएं बनाई, वह आपकी कठिन बीमारियों को भी बटन दबाने से ही ठीक कर सकता है। मैंने कई कठिन और असाध्य रोगों को भगवान द्वारा केवल हीलिंग बटन दबाकर ठीक होते देखा है। इस विधि से ईरान निवासी श्री ताहेरी का फेफड़े का कैंसर एक सप्ताह में ठीक हो गया। जर्मनी की रहने वाली एंजेला की आंख का कैंसर 4 महीने में ठीक हो गया। ईरान की रहने वाली सुश्री फिली को 20 वर्षों से अस्थमा था और वह फेफड़े के विशेषज्ञ की देखरेख में थी, लेकिन उनका अस्थमा सिर्फ 5 दिन में ही ठीक हो गया। श्री स्प्री, जो 20 वर्षों से इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे थे और उनका वजन 126 किलो था, इस उपचार पथ में प्रवेश करने के बाद 3 दिनों के बाद उनका इंसुलिन बंद हो गया और उनके चिकित्सक को झटका लगा। अब उनका वजन 85 किलो है। डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर, न्यूरोसर्जन विशेषज्ञ,
जो 15 वर्षों तक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर थे और भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें मस्तिष्क में गंभीर संक्रमण हो गया और वे कोमा में चले गए और उनकी मस्तिष्क मृत्यु की पुष्टि हो गई, लेकिन भगवान की कृपा से वह मौत के मुंह से वापस आ गए और पूरी तरह से ठीक हो गए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ऐसे उपचार को उचित नहीं ठहरा सकता। डॉक्टर अलेक्जेंडर के उपचार ने उनके चिकित्सा सहयोगियों को आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह कोमा में थे तब उन्होंने ऊपरी दुनिया में भगवान और स्वर्ग को देखा और उनका विश्वास बदल गया और अब वह भगवान में विश्वास करते हैं। विश्वास के इस परिवर्तन ने उसे ठीक कर दिया। यह ध्यान और सम्मोहन आपकी मान्यताओं को बदलने वाला है। मुझ पर विश्वास करें और अधिक ध्यान से सुने। वही प्रतिरक्षा प्रणाली जो भगवान के आदेश से 3 या 7 दिनों में सर्दी को ठीक कर देती है, वही कैंसर को ठीक करने के लिए भी जिम्मेदार है। शक्तिशाली चेतन ईश्वर की देखरेख में दोनों बीमारियां एक ही दिव्य उपचार प्रणाली द्वारा ठीक हो जाती हैं। तो जब हमें सर्दी होती है तो हम इतने चिंतित क्यों नहीं होते, लेकिन जब हमें कैंसर होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना ईश्वर और स्वयं तथा जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में छोटी और कमजोर है। इस छोटी सी चेतना से हम महान और शक्तिशाली ईश्वर को छोटा और कमजोर देखते हैं और यही हमारी असली बीमारी है। आपके मन में बनाया गया यह छोटा सा भगवान आपके कैंसर या मधुमेह का इलाज नहीं कर सकता है, लेकिन यदि आप सही जागरूकता प्राप्त करके अपने दिमाग को मजबूत और बड़ा करते हैं और गौरवशाली महान ईश्वर को देखते हैं, तो कैंसर का इलाज एक साधारण सर्दी जितना आसान हो जाएगा। यह आध्यात्मिक और प्राकृतिक उपचार का रहस्य है जिसके द्वारा मैं कठिन और असाध्य रोगों से पीड़ित निराश रोगियों की सहायता करता हूँ। मैं उन्हें ठीक नहीं करता, मैं बस उन्हें अपने अंदर दिव्य उपचार शक्ति खोजने के लिए जागरूक करता हूँ। जब वे चिंता के साथ मुझे बुलाते हैं और कहते हैं डॉक्टर ने मुझे इलाज के लिए अस्वीकार कर दिया है, तो मैं उनसे कहता हूँ भगवान का शुक्र है कि आपको इलाज के लिए अस्वीकार कर दिया गया है। उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। मैं उत्तर इसलिए देता हूँ कि अब तुम्हें परमेश्वर के सिवा जो सच्चा चंगा है किसी से कोई आशा नहीं। यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण विकास और अनुकूल मोड़ है। आपके भीतर मौजूद दिव्य उपचार शक्ति के लिए सबसे कठिन बीमारियों को ठीक करना साधारण सर्दी की तुलना में आसान है, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भगवान की उपचार उंगली आपके उपचार बटन को दबाती है। बस इस शक्तिशाली भगवान पर भरोसा रखें। गले की नस से भी ज्यादा उसे अपने करीब मानने के लिए इतना ही काफी है। यह समझने के लिए पर्याप्त है कि उसने आपको चमत्कारिक ढंग से क्यों बनाया। यह आपकी वास्तविक दिव्य इंद्रियों तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। भगवान और इन दिव्य इंद्रियों से आपकी दूरी आपकी मुख्य बीमारी है, कैंसर या मधुमेह नहीं। भगवान ने आपके लिए जो प्राकृतिक आहार और जीवन शैली की योजना बनाई है, उससे दूर होने के कारण आपके शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है और आप इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। मैं 2012 से इस उपचारात्मक दिव्य मार्ग से परिचित हुआ, जो आध्यात्मिक प्रकाश, प्रेम और जागरूकता से भरा है। मैंने कई रोगियों को इस मार्ग में प्रवेश करने में मदद की है जो पारंपरिक उपचारों से निराश थे। ये मरीज मेरे पास आते हैं क्योंकि वे आमतौर पर अपने शरीर की बीमारियों के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे उनके शरीर की बीमारियों की चिंता नहीं है।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी मुख्य बीमारियाँ वास्तविक ईश्वर और जीवन के सच्चे अर्थ, प्राकृतिक आहार और जीवन शैली के बारे में उनकी आत्मा की अज्ञानता है। इस उपचारात्मक दिव्य मार्ग में प्रवेश करने से पहले मैं भी इसी बीमारी से पीड़ित था। इस अज्ञानता के कारण मैंने अपने बहुमूल्य जीवन का अवसर गवा दिया। इस अज्ञानता के कारण मेरा वजन अधिक हो गया, माइग्रेन का सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग, घुटनों का दर्द, लिवर एंजाइम्स का उच्च स्तर और किडनी से प्रोटीन का उत्सर्जन बढ़ गया। यह आध्यात्मिक बीमारी और इससे जुड़ी शारीरिक बीमारियां सामान्य आधुनिक और पारंपरिक उपचार पद्धतियों और रासायनिक और हर्बल दवाओं से ठीक नहीं हो सकती। इलाज के ये सामान्य तरीके केवल बीमारियों के कारण होने वाले दर्द और जटिलताओं से राहत दिलाते हैं। मैं उस समय कई रासायनिक और हर्बल दवाएं ले रहा था। मैं इन तरीकों और दवाओं पर निर्भर हो गया था। मैं अपना रास्ता भूल गया था। सुनिए यह ज्ञानवर्धक कहानी। एक आदमी ने एक अंधेरे कमरे में खजाने की सुनहरी चाबी खो दी। अंधेरे ने उसे वह चाबी ढूंढने नहीं दी। वह लाइट जलाकर दूसरे कमरे में गया और वहां अपनी खोई हुई चाबी ढूंढने लगा। यह कहानी सुनने के बाद आपको उस आदमी की मूर्खता पर हंसी आ सकती है, लेकिन न हंसना ही बेहतर है, क्योंकि उस आदमी ने वही किया जो आप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अब कर रहे हैं। शाश्वत आनंद की ओर इस दिव्य पथ पर प्रवेश करने से पहले मैं भी ऐसा ही करता था। आपकी तरह मैं भी अपनी बीमारियों के इलाज की कुंजी अपने से बाहर तलाश रहा था। समकालीन ईरानी कवि राही मोएरी ने इस मुद्दे को कितनी खूबसूरती से सरल भाषा में एक सुंदर कविता में व्यक्त किया है। यदि आप अपनी बंद आँखों को खोलते हैं, आप जो भी चाहते हैं, वह आपको अपने भीतर मिल जाएगा। आपका स्वास्थ्य दूसरों द्वारा आपको वापस नहीं लौटाया जा सकता। आपके अलावा कोई भी आपका वास्तविक चिकित्सक नहीं है। अन्य जो आपकी आंतरिक समस्याओं से अनजान हैं, जो आपकी आत्मा और शरीर की बीमारी का कारण हैं, आपको ठीक करने में मदद नहीं कर सकते। ये आंतरिक समस्याएं आपकी अज्ञानता के कारण होती हैं। इस स्थिति में बाहर से दूसरों की मदद बहुत प्रभावी नहीं होती है। आप अपने हृदय की आध्यात्मिक आँखें क्यों नहीं खोलते? तुम अपने आप से अनजान क्यों हो? तुम शिकारी के जाल में फंसे हुए जानवर के समान हो। उस जानवर की अज्ञानता, लालच और बंद आँखों के कारण वह शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी अज्ञानता, लालच और अपनी बंद आँखों के कारण आप कैंसर, अवसाद, मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा और अन्य गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारियों के जाल में फंस गए हैं। जागरूक रहें और जागें और अपने भीतर उपचार का खजाना खोजें। आपकी बीमारी और पीड़ा की कहानी उस गरीब आदमी की कहानी की तरह है जो एक टूटे हुए घर में रहता था और आजीविका के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके घर के नीचे बेहद कीमती खजाना दबा हुआ है। अपनी आँखें खोलो और जागो, अपने अंदर उपचार का खजाना पाओ। YouTube पर पनाह अकादमी चैनल पर मैं आपके भीतर इस उपचार खजाने को खोजने में आपकी मदद करूँगा। मैं आपको आध्यात्मिक और प्राकृतिक उपचार से परिचित कराने में मदद करूँगा। मैं आपको प्राकृतिक आहार और जीवन शैली अपनाने में मदद करूँगा। मैं आपके अंदर मौजूद दिव्य आत्मोपचार शक्ति के पीछे के वैज्ञानिक रहस्यों से परिचित होने में आपकी मदद करूंगा। मैं आपको यह समझने में मदद करूंगा कि ईश्वर, जो सबसे कुशल उपचारक है, आपकी गर्दन की नस से भी अधिक आपके करीब है।
मैं तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करूंगा। मैं आपको यह समझने में मदद करूंगा कि आप पृथ्वी पर भगवान का सच्चा संस्करण हैं। मैं आपको यह समझने में मदद करूंगा कि आप जीवन की इस फिल्म में अग्रणी और कुशल अभिनेता हैं और भगवान निर्देशक हैं। मैं आपको यह समझने में मदद करूंगा कि आपको पृथ्वी के स्कूल में सृजन में विशेषज्ञ माना जाता है, ताकि आप ऊपरी दुनिया में सृजन के लिए भगवान के एजेंट बन सकें। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मैं आपको यह समझने में मदद करूंगा। आपको जीवन में गरीबी और बीमारी जैसी कठिन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करना होगा। तो पनाह एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, और अगर यह आपके लिए उपयोगी हो तो इस पॉडकास्ट को भी लाइक करें।